शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब तक आपने देखा फुंटू गांव के लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। उसकी बातें सुन बायजा की सास बायजा को वश में करने के लिए बुआ के पास जाने का निश्चय करती हैं। वहीं बुआ एक गांव वाले को अपने वश में कर साई की बेइज्जती करने की मंशा से उनके ऊपर कीचड़ फेंकने भेजती हैं। अब आगे मैं यहां क्या कर रहा हूं और ये लोग और ये लोग ऐसा क्यों देख रहे मुझे और ये मिट्टी कैसे लग गई मेरे हाथों में? तुम यहां साईं पर बार बार मिट्टी फेंक रहे थे। साईं मुझ पर विश्वास करिए, मुझे पता ही नहीं चला कि ये मिट्टी में आपके। कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे थे? ऐसे कैसे हो सकता है? देखो साईं, कैसे ये आदमी पूरे गांव वालों के सामने झूठ बोले जा रहा है। मालसा पति जी, ये सच कह रहा है, इसे वाकई नहीं पता कि इसने क्या किया और ऐसा इसने किसी और के प्रभाव में आकर किया है। वरना मेरे साथ तो क्या, ये किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता। साईं, मैंने जाने अनजाने में भी आपके साथ जो किया है वो माफी के काबिल नहीं है। आप गुस्सा करिए मुझ पर साईं, ऐसे मौन क्यों खड़े हैं आप? मुझे सजा दीजिए साईं, दीजिए। सजा तो तब दूंगा जब तुमने मेरा कोई नुकसान किया। तुमने तो सहायता की है मेरी और उस सहायता के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद कहना चाहता हूं। ये क्या कह रहे हैं आप साईं? इन्होंने मुझ पर जितनी बार भी मिट्टी डाली उसी के कारण मुझे 108 बार नहाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि किसी और हालत में प्राप्त होना संभव नहीं था। इन्होंने कोई अपराध नहीं किया, इन्होंने तो उपकार किया है मुझ पर और इस उपकार के लिए केवल आभार ही व्यक्त किया जा सकता है। कुंत्रू, ये देख मसाले। कुलकर्णी के आदमी आए थे, शाम को बकरी पकाने के काम आएंगे। क्या हुआ? अरे कुछ बोलेगा क्या हुआ? बुआ, वो साईं। बोल ना। तुमने तो सहायता की है मेरी। साई को ना मैं छोड़ूंगा नहीं। रुक सुंदर, मैं जो कह रही हूं ना वो मान, भूल जाओ उसे। ये क्या कह रही हो बुआ? सही कह रही हूं मैं। देख, साई ने अभी तक हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। अच्छा, और वो सांप, वो भूल गई आप? लेकिन उसने हमें डसा तो नहीं ना? जब साई हमसे उलझना नहीं चाहता है तो हम उससे क्यों उलझे? हमारी योजना यहाँ के लिए कुछ और है। उस साई से भिड़ने के चक्कर में सब गड़बड़ ना हो जाए। बस हमें ध्यान लगाना चाहिए ये पता करने की ओर
कि अप्पा पाटिल के घर में वो खंजर कहाँ रखा हुआ है। मैंने अप्पा पाटिल की माँ को चारा डाल दिया है, बस वो बहुत जल्द ही आपके पास आ जाएगी। आने दो, नींद की दवाई दूंगी उसे जो वो अपने परिवार वालों को खिलाएगी। नींद की दवा से सब सोए रहेंगे और हम वहां का कीमती माल लेकर भाग जाएंगे। ये कौन है और इसने क्या क्या सुना होगा? तात्या की आजी अप्पा पाटिल जी की माता जी। मैंने सुना है कि आप सबकी मदद करती हैं। मुझे भी आपकी मदद चाहिए। आओ आइए, यहाँ तेरी बहू बिल्कुल भी काबू में नहीं है। और बेटा, जोरू का गुलाम, बीवी के सामने उसे अपनी आई तो वेड़ी लगती है। आज पूर्णमासी की रात है, इस मिठाई को अपने परिवार के सभी सदस्यों को खिलाना और खुद भी खाना। देखना, अगली सुबह तुम्हारी बहू तुम्हारी मुट्ठी में होगी। कोई शिकायत नहीं रहेगी तुम्हें। कुलकर्णी सरकार हमसे क्या चाहते हैं? बुआ, बहन मायके में रहती है, मतलब ससुराल में दुखी है, और कुलकर्णी इसी का उपाय चाहता है हमसे। हाँ, आओ बेटी, यहां बैठो। वहां नहीं, यहां नीचे मेरे सामने आके बैठो। तुम्हारे चेहरे से झलकती हुई ऊर्जा कहती है कि तुम अच्छे लक्षणों से भरी हुई हो। हाँ, लेकिन ग्रह दोष के कारण जो खुशी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। हाँ, सत्य कहा।
मेरे इष्ट देवता कह रहे हैं कि तुम्हारे ससुराल वाले सारा काम तुम्ही से करवाते हैं और तुम्हारा पति हमेशा तुम्हें हड़काता रहता है। हैं? बिल्कुल नहीं, मेरा पति ऐसा कुछ करने की हिम्मत कर भी नहीं सकता है। वो जानता है मैं किसकी बहन हूं और काम काज तो मेरे सास ससुर करते हैं। गरीब है ना वो, उनको काम काज करने की आदत है। मेरे दादा ने तो मुझे पलकों पे बिठा के रखा है हमेशा, कभी उंगली भी नहीं हिलानी पड़ी मुझे। ये सब काम काज करने की मुझे आदत नहीं है, बिल्कुल नहीं। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। मेरे इष्ट देव कहते हैं ये तुम्हारा वर्तमान नहीं, ये तुम्हारा भविष्य है। तुम्हारे साथ भविष्य में यही सब होने वाला है। तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे साथ यही सब करेंगे जैसे उनको मौका मिले। हरिओम। ऐसा होने नहीं देंगे हम। विश्वनाथ जीव का पति अड़ियल है, बहुत ही अड़ियल, परिवर्तित ही नहीं होना चाहता है, सुधरना ही नहीं चाहता है वो। लेकिन इतना जानता हूं मेरी बहन के साथ दुर्व्यवहार करने का दुस्साहस कभी नहीं कर सकता है वो। हरिओम। कुलकर्णी जी, किसी के कान भरने में कितना समय लगता है, इससे पहले विश्वनाथ जी के साथ ऐसा हो हमें ऐसा होने से रोकना होगा। उसे आप लोगों के पास लेके आऊं? मतलब ऐसा कोई वशीकरण संभव है कि वो फिर शिरडी में ही रहें और हमारे नियंत्रण में भी? बिल्कुल। ये हो गई एक बात। वो दूसरी वाली बात का क्या? मेरे रास्ते का काटा उसे। कुलकर्णी सरकार, गांव के मुखिया को वो काटा चुभने नहीं देंगे, हटा देंगे उसे। हरिओम। हम जिस काम के लिए यहाँ आए हैं वो आज रात को ही करेंगे। अप्पा पाटिल का वो बेसकीमती खंजर, बस फिर यहाँ से निकल जाते हैं, समझा तू? इतनी जल्दी क्या है बुआ, और वैसे भी उनको क्या कल सुबह ही पता चलने वाला है कि खंजर गायब है। एक दो दिन और रुकने का खतरा उठा लेते तो कुलकर्णी से माल निकलवा के जितना सोचा था उससे ज्यादा लेके निकल जाते शिरडी से। हाँ फुंत्रू, तू अप्पा पाटिल के बेटे के साथ खेलने जा, और खेलते खेलते ये पता लगा वो कीमती खंजर घर में कहाँ छुपा के रखा है, समझा? जी बुआ। जा। बुआ, रही बात साई को कुलकर्णी के रास्ते से हटाने की, तो हम बड़ी पूजा का नाटक करेंगे जैसे हम साई का वशीकरण कर रहे हो। हाँ? सुंदर चल यहाँ से, सुंदर चल निकल। सुंदर निकलो यहां से। चल। हम जैसा दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ भी होता है। धमकी दे रहा है तू हमें? सावधान कर रहा हूं, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो छलकने लगता है।
आप जैसा बोएंगी वैसा ही पाएंगी। दूसरों के विश्वास के साथ घात करते हो ना तुम लोग। कल सूर्योदय तक आपके विश्वास पर भी घात होगा। सुंदर। हाँ। क्या कह रहा था वो? सूर्योदय होने तक मतलब आज रात ही कुछ होने वाला है क्या? वो कहीं साई को हमारी योजना के बारे में पता तो नहीं चल गया? मेरी बात मान सुंदर, आज रात अप्पा का खंजर चुरा कर भाग जाते हैं। ये शिरडी अजीब जगह है और वो साई जब सामने आता है तो डर सा लगता है। अब साई, साई, और कुछ लाओ। मेरा हो गया। तात्या तेरे लिए? नहीं आई, मेरा भी हो गया। सारी मुसीबतों की जड़ तो यही है, सिर्फ इसे क्यों ना खिला दो सारी की सारी मिठाई। असर जल्दी भी होगा और ज्यादा भी। अप्पा और तात्या को खिलाने की क्या जरूरत है? बाईजा जी आई। ये लो, मैं खंडोबाजी के मंदिर गई थी, प्रसाद। आजी मुझे भी चाहिए। नहीं बेटा, सोने से पहले बच्चों को मीठा नहीं खाना चाहिए। अरे कोई बात नहीं आई, प्रसाद ही तो है। ले तात्या, तू ये ले ले। नहीं नहीं, तू खा, मैं उसे दे देती हूँ। आई, अरे वाह लड्डू, मुझे भी दो। हाँ हाँ लो। आप नहीं लेंगी आई? नहीं, मैंने पहले ही खा लिया था। मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी तीनों को प्रसाद खिलाकर? नहीं, बुआ जी को तो सिद्धियां प्राप्त है और प्रसाद का भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। साई,
साई, क्या हुआ साई? कुछ भी अनिष्ट होने से पहले, अनर्थ होने से पहले यह सृष्टि हमें संकेत जरूर देती है। उस संकेत को हम कितना समझ पाते हैं इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा मन कितना स्थिर है, कितना जागृत है। कुछ बुरा होने वाला है क्या साई? जीवन में कई छोटी छोटी मुश्किलें ऐसी होती हैं जिनका हल सिर्फ बात से हो सकता है, लेकिन लोग अपने अहंकार की वजह से या फिर अपने डर की वजह से बात कर ही नहीं पाते। ऐसे में जब उनकी आस्था भगवान पर नहीं रहती, उनका धैर्य खोने लगता है, तो वो ऐसे समाधान की ओर आकर्षित होते हैं जो उन्हें तुरंत फल दे सके। आप और आपके आसपास जो लोग हैं वो अपने स्वार्थ के लिए किसी को चोट पहुंचाने से भी नहीं चूकते, लेकिन आज रात इसका अंत होगा। साई ने जिस बात की तरफ इशारा किया था, कहीं ये वही तो नहीं?